पचास मोचन के बारे में जानेंगे जो कि काशी में है। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी, मोचन के बारे में बताएं कि मोचन क्या है और इसकी क्या जो है महत्ता है, इसके बारे में आप जानकारी दें। पिशाच मोचन, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का पूजन होता है। पिशाच मोचन विमल तीर्थ से नाम जाना जाता है, विमल कुंड है और यही जो है पितरों का श्राद्ध होता है। नाना प्रकार का किसी भी प्रकार का यहाँ दुख तकलीफ अगर है घर में तो उसको दुख दूर किया जाता है और तीनों कुल का जो है यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। पितृपक्ष हो गया, नाना पक्ष हो गया और ससुराल पक्ष हो गया। ये तीनों पक्ष का जो है पहले तर्पण होता है, उसके बाद नारायण पूजन होता है, उसके बाद जो है फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का पूजन होता है, उसके बाद जो है श्राद्ध कर्म में त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। इसको करने से संतान पक्ष और रोग बाधा, पितृबाधा, शत्रु बाधा, किसी भी बाधा है उसको दूर किया जाता है। ज़्यादातर संतान पक्ष में पितरों को रुष्ट हो जाने से संतान जो है नहीं हो पाता है और लोग परेशान रहते हैं, रोग होता है, रोग से पीड़ित रहते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से सभी कष्टों से निवारण मिल जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो त्रिपिंडी पूजा है तो इसमें कितने ब्राह्मण लगते हैं? यहाँ कम से कम तीन ब्राह्मण लगते हैं, एक आचार्य होते हैं, एक सहयोगी हो, दो सहयोगी होते हैं, एक ब्रह्म सूक्त का पाठ करते हैं, एक रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं, एक विष्णु सूक्त का पाठ करते हैं। तीनों पाठ करते हैं, उसके बाद जो है आचार्य होते हैं जो करवाते हैं और जो सहयोगी होते हैं वो पैमान के साथ उनका श्राद्ध में कर्म करते हैं, साथ में सहयोग करते हैं और यही पूजा पाठ चलता है। करीब तीन से चार घंटा यहाँ पूजा होता है। अच्छा, ये जो त्रिपिंडी पूजा है तो त्रिपिंडी पूजा किन लोगों को करवाना चाहिए? अगर पिताजी हैं, जीवित हैं पिताजी, तो वो आके करें। अगर नहीं है वो जीवित तो उनके पुत्र अगर कोई घर में है तो आके कर सकते हैं। अच्छा, ये जो त्रिपिंडी पूजा है तो इस पूजा को करने से जैसे कहते हैं कि बाधा ये जो है ये खत्म होती है और किसी का काम नहीं चल रहा हो, बिजनेस नहीं हो रहा हो तो वो होता है, तो ये क्या सही में भूत प्रेत जो होता है वो समाप्त हो जाता है या पूजा करने के बाद भी समस्या बनी रहती? नहीं, ये सब समस्याएं हैं लेकिन ये इसको करने समस्या सब ठीक हो जाता है। लेकिन इसको हर साल कराना चाहिए, इसे कराने से फिर हर समस्याएं का समाधान होते हैं, चाहे बिजनेस में जाए, व्यापार बाधा, किसी भी प्रकार का बाधा है उसको दूर करने में ये सक्षम है। 60-70% तत्काल फायदा इसको मिलता है इसको करने से। अच्छा, तो ये जो त्रिपिंडी पूजा है हमेशा गया में ही होना चाहिए या कोई दूर का है जैसे पंजाब का है तो वहाँ पे भी करा सकता है या बार बार उनको काशी ही आना पड़ेगा? नहीं, अगर गया जाना चाहते हैं तो गया में करवा सकते हैं, जो कि गया में बोध गया में होता है, धर्मारण शायद बोलता है, वहाँ होता है। उसके बाद पिशाच मोचन जो है बनारस का ये ज़्यादा महत्व माना गया है, इसलिए कि यहाँ बाबा भोलेनाथ का नगरी है, मोक्षदायिनी गंगा है, मोक्ष यहाँ मिलता है और पिशाच मोचन का महिमा अलग है, इसलिए यहाँ ही होता है। उसके बाद हरिद्वार है, हरिद्वार में भी होता है, आपका इलाहाबाद में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि लोग आते हैं पिशाच मोचन पे ही, दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का ज़्यादा फायदा मिलता है। अच्छा, ये जो तीन कलश रखे होते हैं पूजा में, त्रिपिंडी पूजा में, वो तीन कलश क्या मतलब किस चीज़ के लिए वो होते हैं? तीन कलश हो गया, जैसे एक विष्णु भगवान हो गए, एक ब्रह्मा जी हो गए, एक रुद्र हो गए जो शिव हैं, ये तीनों का ही पूजा होता है, यही त्रिपिंडी है। और इसमें समय 3-4 घंटे का समय लगता है? कम से कम 3-4 घंटे का समय लगता है। तो क्या त्रिपिंडी पूजा स्त्री भी कर सकती है? हाँ, अगर कोई नहीं है तो स्त्री कर सकती है, नहीं तो फिर ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो किसी का भी माध्यम से किसी का भी प्रतिनिधि बन के कर सकता है। अच्छा, तो क्या ये त्रिपिंडी पूजा ऑनलाइन भी होता है काशी में? हाँ, ऑनलाइन भी हो जाता है, अगर कोई नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन लोग आ जाते हैं तो उनके हाथ से करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर हम तो मान लीजिए ब्राह्मण है तो हो जाएगा, करवा देंगे, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑनलाइन में क्या मिलेगा, अपने हाथ से आगे करेंगे, अपने पितरों को स्वयं आकर के अगर उनको पानी देंगे
तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, इस त्रिपिंडी पूजा में कम से कम कितने ब्राह्मण? हाँ, कम से कम 3 ब्राह्मण लगेंगे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो 5 ब्राह्मण, नहीं तो कम से कम 3 ब्राह्मण। अगर बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो मान लीजिए फिर अगर उसमें कम बेसी करके 2 ब्राह्मण को ही भी हो जाएगा त्रिपिंडी, लेकिन 3 ब्राह्मण तो कम से कम मान के चलिए, इससे कम नहीं हो पाता है। अच्छा, तो जो भूत प्रेत, तो क्या वो शरीर पे भी आ करके कुछ बोलते हैं या बताते हैं? नहीं, शरीर पे आके नहीं बोलते हैं। घर में जो किसी प्रकार का बाधा चलता है तो अपने आप सब समझ में आता है कि हमारे पास क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। उसके बाद जो है उसको करने से खुद ही सब समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे ये जो सरोवर है, इस सरोवर का क्या नाम है? सरोवर का नाम है पिशाच मोचन कुंड है, पिशाच मोचन कुंड विमल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो ये पिंड बनते हैं, तो पिंड में कौन सा आटा, जौ का लगता है या किस चीज़ का आटा लगता है? पिंड बनाने के लिए जौ का आटा, चावल का आटा, जौ का आटा से पड़ता है भगवान विष्णु का पिंड, चावल का आटा से पड़ता है भगवान ब्रह्मा जी का पिंड, और तिल का आटा से जो है ये रुद्र का पड़ता है, जो साक्षात भोलेनाथ हैं बाबा, उनका पिंड पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ये त्रिपिंडी करने के लिए, तो उनकी रुकने की व्यवस्था कहाँ, कैसे, धर्मशाला उपलब्ध है या किस तरीके? धर्मशाला भी मिल सकता है, नहीं तो यहाँ होटल उटल भी है बहुत, उसमें ठहराया जाता है, क्योंकि जैसे जो जैसा होटल वो चाहेंगे वो हिसाब से वो रेंज में मिल जाएगा, और आकर के अपना रह सकते हैं। अच्छा पंडित जी, एक और सवाल है कि जैसे यहाँ पे नारायण बलि की भी पूजा होती है, काल सर्प दोष ये सब पूजा भी होती है क्या? नारायण बलि का भी पूजा होता है यहाँ। नारायण बलि अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु का अगर बाधा है, अकाल मृत्यु हुआ है बहुत सारा और ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उसके लिए नारायण बलि का श्राद्ध यहाँ पे होता है। और रह गया आपका पूछे काल सर्प योग, तो काल सर्प योग के लिए यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ पे है बनारस में ही एक है नाव कुआँ मंदिर, जो कि जैतपुरा थाना के पास पड़ता है, नाकुआ मंदिर। तो वही मंदिर में जो है तक्षक नाम का सर्प जो था, जो रोहित को काटा था, तो वही नाकुआ मंदिर जो है प्रचलन में है, और यहाँ का प्राचीन है वो। और यहाँ नाग दोष का पूजा वहाँ होता है, किसी भी प्रकार का अगर नाग दोष है 12 में से कोई भी है, 12 नाग का पूजा होता है जिसमें कोई भी काल सर्प योग हो, तो उसका शांति वहाँ पे ही होता है। इसके लिए बनारस है, उज्जैन है, 2-3 जगह स्थान है, वही दिया गया है जिसमें बनारस दिया गया है, जो कि इसका ये उत्तम है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे ये नारायण बलि पूजा है तो ये अकाल मृत्यु के लिए होता है, तो इसमें कितना समय लगता है, और इसमें भी क्या एक ही पंडित जी पूजा कराते हैं या एक से अधिक? इसमें 5 पंडित लगते हैं कम से कम, इसमें 5 पंडित लगते हैं, और ये भी पूजा कम से कम 4 घंटे का है, यही पूजा कम से कम 4 घंटे का है, 4 से 5 घंटा हो जाएगा, कम नहीं होगा। और कारण क्या है कि इसमें 5 पंडित रहते हैं, तो इसमें 3 गो ब्रह्मा विष्णु महेश, एक यम हो गया, और एक जो है आपका प्रेत हो गया, ये 5 गो होता है, तो 5ों का 5 सूक्त होता है, ये 5 सूक्त का पाठ होता है, तो इसलिए 5 ब्राह्मण इसमें अनिवार्य माना गया है। अगर नहीं है 5 पंडित, अगर नहीं जुट रहे हैं, मान लीजिए कि धन से अगर समस्या है, दिक्कत है, अर्थ नहीं वो हिसाब से है, तो फिर कम बेसी करके 3 ब्राह्मण से कम करवाया जाएगा। तो क्या उससे फ़ायदा कम मिलेगा अगर 3 ब्राह्मण से करवाते हैं, या उतना ही लाभ मिलेगा जितना 5 ब्राह्मण? लाभ तो उतने मिलेगा, लाभ उतने मिलेगा, ये बात नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत होगा, लाभ उतना ही होना है, लेकिन है क्या कि 5 गो रहते हैं तो 5ों का अलग अलग सूक्त होता है, पाठ होता है, तो 5ों अलग अलग सूक्त अपना बोल देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जो पिशाच मोचन है, तो त्रिपिंडी यहीं है, इसके लिए मतलब कुछ पौराणिक कथा है या कुछ है क्या यहाँ के लिए? ये काशी खंड में इसका सारा वृतांत मिल जाएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो काशी खंड में इसका पूरा वृतांत मिलेगा आपको, और ये पौराणिक ही है। धन्यवाद पंडित जी।